है ना, इसको मैं इन तीनों को एक ही नंबर से डिवाइड करूंगा, इसको भी मान लो चलो एक से डिवाइड किया, इसको भी एक से, इसको भी एक से, एक ही नंबर से, ठीक है ना। तो ऐसा करने पर यहाँ पर जो है रिमाइंडर जो है पहले कितना बचना चाहिए, फोर, यहाँ बचना चाहिए फाइव, यहाँ बचना चाहिए सिक्स, ये मतलब है ना। अच्छा अगर मैं इसमें से फोर माइनस कर दूंगा इसका मतलब फिर ये नंबर क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा मैं, तो ये इससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो चार बच गए हैं, और ये चार अगर मैं इसमें से निकाल दूंगा तो क्या होगा, इसे डिवाइड हो जाएगा मैं, इसका मतलब ये नंबर क्या बन गया, फोर फोर वन, ठीक है ना। अच्छा इसमें पांच बच रहा है, इसमें अगर पांच मैं इसमें से निकाल लूंगा बाहर तो क्या होगा, ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा मैं, इसमें से पांच निकालेंगे आएगा ये फाइव और सिक्स और ये सेवन, यही है ये ट्वेल्व में से फाइव और सिक्स। अच्छा इसमें से करेंगे तो क्या बनेगा, सिक्स थ्री और ये सिक्स नाइन, ये बनेगा मेरे पास में सिक्स नाइन थ्री। अब इसका मतलब ये जो नंबर मेरे पास में आए ना ये तीनों के तीनों यानी इससे डिजिटल है, हाँ, है ना। नंबर इज 12, तो हमारे पास 24 नंबर है, ये मानो इस तरह से 24 है और इनका जब मीन निकालते हैं तो वो आता है 12, ठीक है ना। अच्छा फिर ये कह रहे हैं इफ 2 इज एडेड टू एवरी नंबर, हर एक में 2 प्लस करते हैं, इसमें भी 2 प्लस करते हैं, तो अब ये कह रहे हैं तो नया जो मीन कितना होगा, कितना होगा, हाँ नया मीन कितना होगा सर, ये होगा सर कितने नंबर है, अरे तो 24 नंबर है, सुन कह रहे हो फिर 24 नंबर है और उनका मीन हमने निकाला तो एवरेज यानी उनका एवरेज आ रहा है 12, और हर नंबर में अगर 2 2 प्लस करते हैं तो उनका एवरेज क्या होगा सर, वो भी हां 48, मैं 48 प्लस कर देंगे 48 एवरेज, हां सर 16 16 नहीं और कोई सिंपल है रे, इसमें 2 प्लस कर दो 14 नहीं, हां तो कोई तो होगा ये 16 बोल रहा है, हां फिर अब ये नहीं बता रहे 14 2 प्लस करेंगे 14 आएगा 16 आएगा। तो आप सुनो यहां से एक बार, अगर आपके पास में जैसे एवरेज 12 है सुनना, अब वो ये हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सुनना हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 24 हो जाएगा, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई, या अगर हर नंबर को अपन क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर दें, हर नंबर ईच नंबर, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, अब नया एवरेज क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और वो ये कहते कि हर नंबर में अगर जो है 2 प्लस करें तो एवरेज क्या होगा, तो इसी में 2 क्या कर दो प्लस कर दो यानी 14, या वो कहते हर नंबर में 2 माइनस कर दो तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसने कहा एवरी नंबर, इसमें क्या आएगा बी ऑप्शन 14, 14 आएगा 0.00 और 32 उसी पता क्या है 32 और 32 डैश डैश। अच्छा अब ये कह रहा है ये क्या हो रहा है रिपीटेड है, तो इसको पी अपॉन क्यू में लिखना है सर, मैं बताऊं क्यू में, हाँ बोलो सर 0.32 का बाद, तो देखो ये लिख सकते हैं 0.0032 और ये बाद ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि 32 रिपीट हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है। हाँ अब देखो मैंने कहा था जब यानी इस तरह से आ जाए तो ये तो क्या करेंगे, पहले तो कितने डिजिट पर बार है, दो, तो 2 9 नीचे लगा देंगे और अच्छा अब इसके पर बार नहीं है ना, ना इसको माइनस कर दिए 2 0 इसके 2 0 भी जाएंगे ना। अच्छा अब चलो एक काम करते हैं, ये इसमें से चलो माइनस भी करोगे तो क्या बनेगा, ये 0 0 यही आएगा, इसको मतलब मेरे पास ये बच गया है यहाँ पर। अब इसको किसे काटे, 4 से काट दूंगा, 8 से हाँ 4 से काट दूंगा, क्योंकि लास्ट में 2 0 आ रहे हैं ना, तो ये कट गया 8 10। अच्छा ये जाएगा पहले कितनी बार, 2 10 कितना, 4 times 7 times 5 times और ये किसमें है, ऑप्शन देख लियो किसमें, ओ कुछ भी है, हां किसमें ये ए ऑप्शन, हां एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और इसमें कह रहा है इसका नाम जैसे मैंने ए बी और सी रख दिया है ना, तो बी सी, बी सी ये है और ए बी कौन सी है, ये वाली, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर, इसमें मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे बराबर, अपोजिट एंगल, कौन सा ट्रायंगल हो गया राइट एंगल, नहीं 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 नहीं
अच्छा बी एंगल बता दिया इसने, ये कितने का है, ये वाला 80 का है, इसका मतलब इन दोनों का समीकरण आएगा 100 आएगा, तो 100 और ये दोनों क्या है बराबर है, इसका हाफ कर देंगे अपना 50 का ये हो गया। अब पूछ रहा हूं इक्वेशन साइड निकाल लेंगे सर, हमें पता है इक्विलेटरल साइड का पैरामीटर साइड बराबर क्या होगा, साइड तो 3 कट गया कितनी बार, 20 अब 9, तो पेरिमीटर एरिया कितना होता है, √3 √3 अपॉन 4 इनटू a स्क्वायर, तो √3 अपॉन 4 इनटू 20 इनटू 20 5 बार और 100 तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर डी ऑप्शन। इधर है, इधर ये है 130 डिग्री, और ये इसने कौन सा कुछ है, ये वाला कुछ है, हाँ बताओ कितना होगा, 130 होगा ये वाला, देखो ये 130 ये कितना होगा 50, ये 130 ये 50 उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 50 ये वाला यहाँ आएगा 50 यहाँ 50 यहाँ 130 यहाँ 130 बस मैं x के माइनस 14x और माइनस 147 हाँ मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए इतना, इधर बड़े मल्टीप्लाई करने इतना आना चाहिए, ऐड सब्सट्रैक्ट करने पर इतना आना चाहिए। अब जो हमें इसके फैक्टर नहीं पता, एक काम करो ऑप्शन से ले लो ना आप, देखो इधर कि 21 और 14 को मल्टीप्लाई करो, ये 4 ये 2 और ये हो गया इतना 8 9 हो गया, इधर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ ये बनेगा, तो ये 4 ये 2 और ये 8 1 9, तो पहले वाला तो नहीं है। अच्छा दूसरा देखो आप 21 और इनटू 7 ये क्या बनेगा मेरे पास में 7 14 हाँ ये बनेगा क्या, अभी आगे हाँ इधर तो अब चलो मैं मान लेता हूँ ये इसका फैक्ट्री है, कौन सा x माइनस 21 और x प्लस 7 ठीक है ना, तो मुझे पता है कि यानी कि 21 इंटू 7 बराबर 147 होता है। अच्छा ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना, पहले बताओ इनको ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या है माइनस आ रहा है ना, इसको लोग माइनस करेंगे 21 में 7 जब हम माइनस करेंगे तो माइनस के 14 ये है, तो कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा, बड़ा वाला प्लस माइनस का होगा छोटा वाला प्लस का, इसका मतलब जो है ये मेरे पास बनेगा x माइनस 21 और x प्लस 7, तो कौन सा सही है फिर, कौन सा सही है, यही सही है, इसमें कौन सा आएगा बी ऑप्शन। कह रहा है कि देखो समझो कि इस नंबर को हमें 4 4 5 एक तो और एक है मेरे पास में 5 7 2 और एक मेरे पास में है 6 9 9 ये है ना, इसको मैं इन तीनों को एक ही नंबर से डिवाइड करूंगा, इसको भी मान लो चलो x से डिवाइड किया, इसको भी x से एक ही नंबर से ठीक है ना, तो ऐसा करने पर यहाँ पर जो है रिमाइंडर जो है पहले कितना बचना चाहिए 4 यहाँ बचना चाहिए 5 यहाँ बचना चाहिए 6 ये मतलब है ना। अच्छा अगर मैं इसमें से 4 माइनस कर दूंगा इसका मतलब फिर ये नंबर क्या होगा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, मैं तो ये इससे मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 4 बच रहा है, और ये 4 अगर मैं इसमें से निकाल दूंगा तो क्या होगा इसे डिवाइड हो जाएगा, मैं इसका मतलब ये नंबर क्या बन गया 4 4 1 ठीक है ना। अच्छा इसमें 5 बच रहा है, इसको मतलब अगर 5 मैं इसमें से निकाल लूंगा बाहर तो क्या होगा ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा, मैं इसमें से 5 निकालेंगे आएगा ये 5 और 6 और ये लगा क्या बनेगा 7 ये क्या ये 12 में से 5 और 6। अच्छा इसमें से करेंगे तो क्या बनेगा 6 3 और ये 6 9 ये बनेगा मेरे पास में 6 9 3। अब इसका मतलब ये जो नंबर मेरे पास में आया है ना ये तीनों के तीनों यानी इससे डिजिटल है, हाँ, है ना। अब देखो यहाँ मैंने एलसीएम लेने का तरीका बताया था 4 4 1 और 5 6 7 और ये है 6 9 एक्स्ट्रा लगा दिया हमने कौन सा ये अच्छा ये है ना। अच्छा तीनों का ही जाना चाहिए ये मैंने कहा था, तो तीनों का किससे जा रहा है 3 से जा रहा है, तो इसको 3 से ले देते हैं, तो पहले जाएगा एक बार फिर चार बार और फिर 7 बार ठीक है ना। अच्छा ये गया पहले एक बार दो बचा
उसके बाद में 20 आठ बार फिर नौ बार दो बार नौ बार अच्छा फिर इस करेंगे लो दो बार तीन बार एक बार अच्छा फिर तीन से जा रहा है सबका हाँ तो ये जाएगा चार बार, चार बार फिर नौ बार नौ बार अच्छा ये जाएगा छह बार फिर तीन बार अच्छा फिर इधर है सात बार ये जो है सात बार और सात बार अब वापिस क्या तीन से जा रहा है सात से जा रहा है इनका आप क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो और वो क्या आएगा 63 इसका मतलब यहाँ पर 63 है और यहाँ पर भी 63 है और यहाँ भी 63 है और दूसरा ये है ये भी नहीं आता एक काम करो इन नंबरों को आप यानी कि ऑप्शन उठाओ और डिवाइड करो और देखो बड़ा कह रहा तो बड़े से शुरुआत करनी है अगर छोटा पूछ रहा है तो छोटे से शुरुआत कर लो आप जिससे ये अपनी जो कंडीशन पूरी हो रही है ना जैसे इसको 63 से डिवाइड करने पर 4 बच रहा है इसमें 5 बच रहा है इसमें 6 बच रहा है इसमें ये हमारा क्या है आंसर है ठीक है हाँ कोई डाउट इसमें अब नहीं है क्या अगला देखो 120 लीटर ले रखा है तेल ले रखा है एक 180 लीटर का ऑयल ले रखा है और एक है कितना 240 लीटर का लिया हुआ है ठीक है थर्ड ही वांट टू सेल इनको बेचना चाहता है ऑयल बाय द फिलिंग द थ्री काइंड्स ऑफ ऑयल इन द टिन टू इक्वल कैपेसिटी तो ये जो टिन है यानी वो कहना चाहता है उसके पास में कोई एक टिन है ऐसा नाप हो कि जिससे तीनों नाप बराबर नापे जा सकते हो तो वो जो टिन होगा ठीक है ना वो कितने लीटर का होगा तो सीधी सी बात है क्या निकालेंगे बताओ अरे ये मान लो एक दूध वाला है 120 लीटर उसके पास हाँ सुनो ना 120 लीटर है इसके पास 180 लीटर है इसके पास 240 लीटर है अब वो सबको नापना चाहता है ये सारे नाप सकता हो तो ऐसा मतलब उसे बड़े से बड़ा उसके पास लेनी वो कितने लीटर का मतलब वो टिन होगा एलसीएम नहीं एलसीएफ एलसीएम लेंगे हाईएस्ट वो लीटर की बात कर रहा है ना तो अब देखो इसका वही ले लेगा इसी में ले लेते हैं 2 से ज्यादा है यार हाँ तो एक काम करता हूँ मुझे पता है 10 से ज्यादा 10 से चले दे देता हूँ इनको पहले तो क्योंकि डाइट ले है ना पर तो 10 से सब पहले ना ना तो पहले 10 से ही कर देते हैं तो ये 12 18 24 और बस ही करो लेना पहले 2 से करो अभी तो टाइम लगेगा वो तो अभी तो क्या है कि हमारे सामने देर गया और इसमें देखो है क्या कहीं 60 लीटर आएगा कौन सा होगा इसका 513 और एक कितना है 783 हाँ तो इसमें एक तो 9 है 12 है और ये 13 है और एक 27 सर दोनों 3 से जा रहे हैं 3 से तो एक काम करते हैं दोनों 3 से जा रहे हैं तो 9 से नहीं जा रहे क्या देखते सर 9 से नहीं जा रहा 9 से 9 से भी जा रहा है हां जा रहा है 9 से नहीं जा रहा तो ये 9 से देंगे तो कितनी बार जाएगा सर ये 9 9 9 5 जंप गया 5 6 और ये 6 एक बार ये 9 बार ये 2 बार और ये 9 बार ये दोनों ही प्राइम नंबर है बस आगे का मल्टीप्लाई क्या है 27 27